नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबर। मनपा कोविड सेंटरों पर लापरवाही का आलम, कोरोना मरीजों को दी जा रही एक्सपायरी डेट की दवाएं। ताजा मामला गणेशपेट थाने में नियुक्त गजानन उइके के साथ हुई लापरवाही का है। थाने में एक साथी की कोरोना से मौत के कारण सभी पुलिस कर्मियों को कोरोना टेस्ट करने को कहा गया। उइके को गले में खराश और खांसी थी। वे भालदापुरा स्थित कोविड टेस्टिंग सेंटर पहुंचे। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर दवा लेने के लिए सेंटर बुलाया गया। वे सेंटर पहुंचे और दवा ले ली, एक दिन का डोज भी ले लिया, लेकिन अगले ही दिन उनकी नजर एक्सपायरी डेट पर पड़ी। टैबलेट की स्ट्रिप पर मैन्युफैक्चरिंग डेट अक्टूबर 2018 जबकि एक्सपायरी डेट सितंबर 2020 की थी। वैसे ही कोरोना पॉजिटिव आने से उनके साथ पूरे परिवार पर संक्रमण का खतरा मंडरा रहा था। ऐसे में दवा की एक्सपायरी डेट नजर आने पर उनके हाथ पांव फूल गए। इस तरह से एक्सपायरी डेट की दवा देना भारी लापरवाही को उजागर करता है। तो वही कोविड 19 संक्रमित मरीज की मौत के बाद भी गड़बड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही है। लता मंगेशकर हॉस्पिटल में उपचार के दौरान मृत पुरुष की जगह महिला की लाश परिजनों को दे दी गई। मोक्षधाम घाट पर अंतिम संस्कार के समय यह खुलासा होने के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मामले में अस्पताल प्रशासन ने इसका दोष मनपा कर्मचारियों को दिया। उल्लेखनीय है कि जिले में इस तरह की लापरवाही का चौथा मामला है। तो वही गंगाबाई घाट पर कोविड योद्धा की पिटाई। कोविड संक्रमित व्यक्ति की अंत्येष्टि करने के लिए आए सफाई कामगार की मृतक के परिजनों ने पिटाई कर दी। यह घटना शनिवार दोपहर गंगाबाई घाट पर घटित हुई। कोविड संक्रमण के दौर में इस तरह की घटनाएं होना बेहद गंभीर है। भांडेवाड़ी निवासी महेंद्र भोयर मनपा में सफाई कामगार है। शव को दिखाने और शव वाहिका को पार्क करने को लेकर यह विवाद होने का पता चला है, जिस पर पुलिस में पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई है। आरोपी कोविड संक्रमित के परिजन होने से पुलिस ने फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।